हरियाणा से बीजेपी ने मुस्लिम उम्मीदवार पर दाव लगाया है। बीजेपी उम्मीदवार नौक्षम चौधरी ने इसके लिए मोदी और शाह का आभार जताया। मैं आपसे टिकट की प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे, आपको टिकट भारतीय जनता पार्टी का पुराना से मिला है जी, क्या प्रतिक्रिया? जी पहले तो मैं भाजपा सरकार के जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं, सबसे पहले तो जी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। माननीय सर्वप्रिय श्री मनोहर लाल खट्टर जी का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा, इस काबिल समझा और एक ये मौका मुझे दिया है, और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसे मैं बखूबी निभाऊंगी। अब टिकट आपको मिल चुका है, चुनावी मैदान में आप उतर चुकी हैं, तो क्या मुद्दे आपके इस बार चुनाव में रहेंगे, किस आधार पर आप वोट मांगेंगे? जी सबसे बड़ा तो यह है कि यहाँ के लोगों को पहले तो बिजली पानी ड्राइवर्स लाइसेंस नहर का पानी एक भरपूर तरीके से मिले, ये तो जो आम चीजें हैं वो तो मुकम्मल हों। उसके बाद शिक्षा है, सबसे बड़ा ये इलाका शिक्षा से वंचित है, महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के लिए शिक्षा, रोजगार के साधन, इन सब मुद्दों पे मेरे रहेंगे। बीपीएल से जो जुड़े लोग हैं उनके लिए काम करना। पुनाना विधानसभा से भाजपा के उम्मीदवार नौक्षम चौधरी ने कहा कि एजुकेशन ही उनका सबसे बड़ा हथियार है, अगर पुनाना विधानसभा की जनता उन पर भरोसा जताती है तो इस इलाके की महिलाओं और खासकर इस इलाके के विकास पर ध्यान दिया जाएगा। कासिम खान, न्यूज़ मेवात।